कि शोपेनहावर ने बुद्धिज्म को आधा पढ़ा, इनिशियल पेसिमिज्म एंड अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म, ये है बुद्धिज्म। अल्टीमेट ये है कि हमारा अष्टांग मार्ग फॉलो करोगे तो आप दुखों से छूट जाओगे, फिर दुख नहीं आएगा। दुख नहीं आएगा तो वो स्थिति कैसी होगी, आनंद की होगी, ये कुछ एक पता नहीं, लेकिन वो ऐसी होगी कि दुख नहीं होगा उसमें। अब हम कुछ हमारे श्रोताओं की मांग पर शोपेनहावर की बात करना शुरू करेंगे। शोपेनहावर जो हैं वो पुराने काल के, आज जो 20वीं सदी में नया दर्शन उभरा है ख़ास तौर से हेगल के बाद, यानी लेटर 19वीं सदी और सारी 20वीं सदी, वो हेगेलियन आइडियलिज्म के खिलाफ एक रोमांटिक रिएक्शन हुआ है, ब्रह्मवाद। तो 20वीं सदी का कोई भी थिंकर जो है प्राचीन काल की बातों को नहीं मानता, लेकिन हम पुराने कुछ आदमियों को, यानी जो 1830 या 1820 के लोग हैं, उनको भी हम दोबारा लेकर के आ रहे हैं। तो शोपेनहावर उस ज़माने में के हैं जो 1810 1820 1830 के हैं, 20वीं सदी में वो पुराने हो चुके हैं। तो शोपेनहावर जो थे ये एक बहुत ही मालदार पिता के पुत्र थे, इसलिए इनके पिता ने इनको कहा कि तू बिजनेस शुरू कर। इन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये बिजनेस में इनका इंटरेस्ट नहीं जमा, उसमें इन्हें घाटा ही घाटा रहा, इन्होंने उसको बंद कर दिया। 1820 में ये बर्लिन में आए, बर्लिन में आकर इनकी रुचि बनी, क्योंकि उस ज़माने में हेगल का ज़माना चल रहा था, हेगल बहुत चढ़े हुए थे। तो 1820 से 1830 तक इन्होंने वहाँ बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं हो सके जितने हेगल थे। हेगल तो ऐसे थे कि कुछ लोग जो हेगल की मेथोडोलॉजी को मानते थे वो हो गए हेगल लेफ्ट बन गए, लेफ्टिस्ट बन गए, और जो हेगल की मेटाफिजिक्स को मानते थे वो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बन गए। सारी फिलॉसफी पर हेगल ही छाए हुए थे। तो शोपेनहावर अपना उतना प्रभाव नहीं जमा सके, इसलिए 1830 में इन्होंने पढ़ाई फिलॉसफी का काम छोड़ करके और सभी फिलॉसफर से हेट करनी शुरू कर दी। जितने भी फिलॉसफर हैं कहते हैं सब वेस्टेज ऑफ टाइम है फिलॉसफी का, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। और इन्होंने 1820 के बाद अपने आप ने स्वतंत्र विचार लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद ये पढ़ाई में नहीं गए, इनकी शिक्षा में रुचि नहीं रही, बल्कि हेट करने लगे फिलॉसफर्स को, सारों को। और 1930 से लेकर 1960 तक ये अपना ही लिखने का काम करते रहे, लिखने पढ़ने का। ये पढ़ाने के लिए कहीं नहीं गए, क्योंकि इन्हें पढ़ाना टीचिंग में ही लगा कि फिलॉसफी कैन नॉट बी टॉट, फिलॉसफी पढ़ाई नहीं जा सकती, फिलॉसफी तो अंदर से आदमी के मन में ब्रह्म ज्ञान आता है। तो इसलिए इन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया। तो शोपेनहावर कंटेम्परेरी हैं हेगल के, लेकिन हेगल जैसा प्रभाव ये नहीं जमा सके। तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो दो थिंकर इनके बहुत प्रिय थिंकर जिनका इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज और कांट की थ्योरी। कांट और प्लेटो ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, हालांकि और भी थिंकर से इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे ही हुए। उन्होंने कहा अगर कोई थिंकर्स में जिन्होंने सिस्टमेटिक थिंकिंग दी है, या जिन्होंने कुछ ऐसी थिंकिंग दी है जिसको हम मान सकते हैं कि जिसका कुछ सार निकलता है, अदरवाइज तो सब इंटेलेक्चुअल लग्जरी में ही फंसे रहे हैं सारे के सारे। जिनके पास वक्त ख़राब है करने के लिए टाइम है, वो बैठ करके ऊंची ऊंची बातें करने लगे, अपने कर दिए। तो इन्होंने दो ही थिंकर को माना सारों के सारों। लेकिन हम अब उल्टा काम करेंगे, क्योंकि जिन्होंने ये शोपेनहावर के लिए कहा था
उन्होंने शोपेनहावर की फिलॉसफी के लिए नहीं कहा था, बल्कि कहा था पैसिमिज्म क्या है और शोपेनहावर को हम पैसिमिस्ट क्यों कहते हैं। तो शोपेनहावर उधर से शुरू करेंगे हम, बजाय इसके कि पहले फिलॉसफी करें, पहले हम उधर से करेंगे उनकी बात का उत्तर देने के लिए कि हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक होते हैं ऑप्टिमिस्ट और एक होते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट थोड़ा सादा शब्द है अंग्रेजी का, पैसिमिस्ट का मतलब जो आदमी निराशावादी हो, कहीं उसको आशावाद दिखाई दे ना देता हो, निराशावादी हो, वो निराशावादी व्यक्ति जो है पैसिमिस्ट कहलाता है। और इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसमें निराशावाद ही निराशावाद है सारा का सारा, क्योंकि इन्होंने संस्कृत को भी अच्छी तरह से पढ़ा था और हेगल के ज़माने तक जो चीज़ें ट्रांसलेट हुई थी वो इन्होंने पढ़ी थी। उपनिषद का ट्रांसलेशन इन्होंने पढ़ा था, गीता उस समय तक हेगल के ज़माने में गीता का ट्रांसलेशन तो हो गया था और हेगल ने अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था गीता को कि दिस इज़ द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी गीता, ज़्यादा नहीं पढ़ा गया था, इसलिए शोपेनहावर तक गीता नहीं पहुँच सके, लेकिन फिलोसफर से वो उपनिषद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये कहते थे उपनिषद जो है दिस इज़ द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज़ द सोलेस ऑफ माय डेथ, मेरे जीवन में भी शांति प्रदान करने वाले ये उपनिषद हैं और मेरे मरने के बाद भी अगर कोई मुझे शांति देंगे तो ये उपनिषद ही देंगे। इन्होंने उपनिषद के अंदर जब बृहदारण्यक को उपनिषद में आए और बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा तो सारा उपनिषद तो वृद्ध का मतलब ही बड़ा होता है, वृद्ध माने बड़ा, बृहदारण्यक सब उपनिषदों में सबसे बड़ा है, जितने भी हमारे 11 उपनिषद हैं उनमें सबसे बड़ा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद जब ये पढ़ने लगे तो उसमें मैत्री के वचन थे, मैत्री ने अपने पति से जो चीज़ मांगी थी, कात्यायनी ने तो गऊँ मांग ली थी कि 10,000 गऊँ मुझे दे जाओ, अब मैत्री ने कहा कि मुझे वो चीज़ दो जिसके लिए आप 10,000 गऊँ छोड़ के जा रहे हो, इतना बड़ा आपकी गौशाला है, इतने बड़े आश्रम में आप रह रहे हो, आपका इतना बड़ा याज्ञवल्क्य का आश्रम बड़ा ज़बरदस्त आश्रम है, सैकड़ों आपके चेले हैं, तो इस आश्रम को और इतनी गऊँ को छोड़ के आप क्यों जा रहे हो, तो मुझे वो चीज़ दो जो कि इन गऊँ से भी ऊंची है। तो याज्ञवल्क से उसने कहा मैं जिनको छोड़ के जा रहा हूँ क्या मांगना चाहती है, तो उसने तीन चीज़ें मांगी। पहली चीज़ मांगी तम सोम ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में पड़ी हुई हूँ, मुझे अज्ञान है, मुझे पता नहीं क्या कारण है, क्यों ये गऊँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आप जिसके लिए जा रहे हो वो महत्वपूर्ण है, तो मुझे अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाओ। दूसरी चीज़ उस मांगी असतोमा सदगम, जो कुछ असत है दुनिया के अंदर उस असत को छोड़ करके मुझे सत का मार्ग दिखा दो। और तीसरी चीज़ मांगी मृत्युर्मा अमृतंगम, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जीना पड़ता है, जन्म मरण का चक्कर रहता है, कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊँ। तो खैर उस उपनिषद तो सारे इन्होंने पढ़े थे, तो इन्होंने ये कहा बृहदारण्यक उपनिषद के ये जो तीन वाक्य हैं ये अगर तीन वाक्य मुझे दे दो आप मेरे नाम से कर दो कि ये, तो मैं अपनी सारी फिलॉसफी आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं होल से फिलॉसफी इन तीन मंत्रों के लिए दे दूँगा। तो उपनिषद का इन पर बहुत प्रभाव रहा और उपनिषद के साथ साथ इन्होंने बुद्धिज्म की बड़ी अध्ययन किया। बुद्धिज्म का जब ये बुद्धिज्म का अध्ययन कर रहे थे तो इनके अंदर निराशावाद आ गया। इन्होंने बुद्धिज्म को जैसे ही पढ़ा था, बुद्धिज्म का पहला ही वाक्य था सर्वम दुखम, सारा सारा संसार, नानक ने भी यही लिखा है नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। तो बुद्ध ने ये कहा था सर्वम दुखम, हर आदमी दुखी है। बुद्ध कहता है जो आदमी बहुत ही आपको ऊपर से प्रसन्न दिख रहा है, हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, लोगों को भी हंसाता रहता है, उसके पास भी थोड़ी देर बैठ करके देखो, ये नैतिकता है, मोरलिटी यही है। जब उसके पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो अपने सारे जो अंदर दुख हैं उनको भी दुख,
तो बुद्ध ने कहा जिसके पास अधिक धन है उसे ये दुख रहता है कि मुझे चोर ना लूट लें, मेरे पुत्र जो हैं यही धन के लालच में मुझे ना मार दें, कहीं कहीं मेरे पुत्र ही आपस में एक दूसरे से कट कर के मर जाएं। तो अधिक धन वाले को ये दुख रहता है हमेशा, ऊपर से वो सुखी दिखाई देगा आपको कि ये तो अदानी है, ये तो अंबानी है, दुनिया का सबसे रिच आदमी, लेकिन उसके पास थोड़ी देर बैठ के देखो उसे यही लगेगा कि ये मेरी जो सारी दौलत है इसको कहीं ये मेरे पुत्र या मेरे रिश्तेदार या ये हड़प ना कर जाएं, कहीं मुझे यही धोखा दे करके, और बिल्कुल दुनिया का अब तो मैं आज का सब। और इसी तरह उन्होंने कहा जिनके पास कोई पैसा नहीं है उनको जाकर देखो तो वो तो दुखी हैं ही। तो इस तरह बुद्ध ने कहा जिनके संतान ज़्यादा है वो भी दुखी हैं, संतान मेरी कुमार्ग पर ना निकल जाए, गलत रास्ते पर ना चली जाए, संतान मेरी जो है आपस में लड़के ना मर जाए, कहीं और कुछ गिरना। तो बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, हर आदमी दुखी मिलेगा, किसी को कोई दुख है किसी को कोई दुख है। तो जब इसमें शोपेनहावर ने ये पढ़ा तो इसके मन में पैसिमिज्म की बात धारा आई, ये सब दुनिया दुख का घर है, दुख का भंडार है सारा का सारा, इसमें सुख तो कहीं है ही नहीं, ये इनका पैसिमिज्म है। पैसिमिज्म इन्होंने बुद्धिन से लिया। फिर इन्होंने कहा दुख समुदाय, बुद्ध ने कहा ये दुख जो है अपने आप नहीं, कोई इससे दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो दुख और सुख बांटता हो, ये दुख का कारण क्या है, तो वो ही कारण शोपेनहावर ने लिया जो बुद्ध ने किया था, का नाम बदल दिया इन्होंने। बुद्ध ने कहा था कि सारे दुख का कारण तृष्णा है, ये तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। कबीर ने भी कहा आशा तृष्णा ना मरी मरमर गए शरीर, तृष्णा कभी शांत नहीं होती। शास्त्रों में हमारे सभी लिखा है दुष्पूरम केन पूर्यते, अग्नि पर अगर घी डालोगे तो अग्नि कुछ बुझाने की बजाय अग्नि और भड़केगी। ये जो हमारी तृष्णा है इसको जब तृप्त करते हैं, हमने आज बड़ी बढ़िया बढ़िया माल खाए और हमारे मन में तृष्णा आई कि कल भी मुझे ऐसे ही बढ़िया माल मिलने चाहिए, तो ये तृष्णा क्या करेगी, ये तृष्णा और भड़केगी। और आज हम अपने तृष्णा को शांति करने के लिए कोई साधन लाए थे, कल अगर वो साधन नहीं मिले तो डाका डालेंगे चोरी करेंगे, तो सारे पाप कराने का कारण जो है ये तृष्णा है। इन्होंने उस तृष्णा को डिजायर कर दिया नाम। अब तृष्णा को डिजायर को समझ लो एक ही चीज़ हो गई, इंटेंस डिजायर हो सकती थी उसके लिए कोई शब्द लाते, लेकिन इन्होंने डिजायर किया, डिजायर इज दिस होल कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। और इन्होंने वही आर्गुमेंट दिए जो भौतिकवादियों के खिलाफ लोगों ने दिए थे, बुद्ध ने भी दिए, आप अपनी तृष्णा को जब करते हो तो आपने अपनी भूख को संतुष्ट किया, भूख को संतुष्ट करने के से पहले आपने भूख लगाने के लिए कहा, तो तृष्णा कहती है पेन पहले आएगा प्लेजर बाद में आएगा। और जैसे हम ये कहते हैं कि बुखार का दूर हो जाना हेल्थ नहीं कहलाता, रिमूवल ऑफ द फीवर हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं कहलाती, नेगेटिव है, तो ऐसे ही तृष्णा को तृप्त करने से प्लेजर नहीं कहलाता। आपने कहा तृष्णा मेरी मुझे मेरी भूख तृप्त हो गई तो प्लेजर मिल गया, नहीं प्लेजर नहीं मिला, आपको एक दुख हुआ कि दोबारा मुझे भूख लगे तो फिर ये चीज़ खाने को मिले, रिपीट कर रहे हैं आप पेन को, प्लेजर को नहीं रिपीट कर रहे। शोपेनहावर कह रहा है मुझे कोई आदमी ऐसा दिखाओ जो तृष्णा मेरी तृप्त हो गई अब मैं भूखा ना नहीं खाऊंगा, तो तृष्णा और ज़्यादा भड़क जाती है और अच्छी चीज़ खाने को मिले और बढ़िया खाने को मिले। इसी तरह से एक एक तृष्णा को उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। और ये तृष्णा जो है ये कभी भी जब तृप्त नहीं होती तो आदमी के पास एक ही चीज़ क्या है, पलायनवाद, इस दुखों का जो घर है इससे दूर निकल जाओ, निर्वाण। शोपेनहावर कहते हैं निर्वाण में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलती, पॉजिटिव प्लेजर नहीं है, निर्वाण एक नेगेटिव चीज़ है, दुखों की तृष्णा की जो अग्नि थी वो आपने बुझा दी, लेकिन बाद में प्लेजर मिला या नहीं मिला, क्योंकि तृष्णा की बुझाने के बाद तो वो दोबारा तृष्णा आके भड़कती है,
उससे ज़्यादा तेज़ी से भड़कती है। तो निर्वाण के बाद प्रेजर आपको मिला या नहीं मिला, आपने तृष्णा को तो शांति कर दी। तो कहते हैं बुद्ध इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट हैं और कोई इसके बाद जवाब भी नहीं है किसी का। जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो कैसे पहले तक ढूंढोगे, मर भी गए हम, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो निर्वाण के बाद भी जब प्लेजर नहीं मिला तो फिर हम प्लेजर कहाँ देखेंगे दुनिया के अंदर। तो सारा का सारा इनका जो सारी फिलॉसफी है वो पेसिमिस्ट फिलॉसफी है, नेगेटिव थिंकिंग। इनको दुख ही दुख दिखाई देता है और दुख का कारण भी बता दिया उन्होंने, डिज़ायर है। वहाँ बुद्ध ने उसका नाम तृष्णा रखा था, तृष्णा तू ना गई मेरे मन से। मरने के बाद भी तृष्णा रहती है कि मैं दोबारा जन्म लूँ। बुद्ध ने यही कहा ना कि दोबारा जन्म क्यों होता है हमारा, जाति का क्या कारण है? जाति का कारण है कि पिछले जो आनंद हमने भोगे हैं उनको भोगने के लिए हम शरीर चाहते हैं। शरीर मिले तो वैसे ही आनंद भोग लें हम, लेकिन जब भोगने के लिए आते हैं तो हम देखा तृष्णा जो है फिर मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये तृष्णा तो मरने के बाद भी शांत नहीं होती। इसी तरह इन्होंने कहा कि बुद्ध ने कह तो दिया कि निर्वाण करोगे पलायनवाद, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, ये दुनिया दुखों का घर है, इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बेटर ये है कि इस दुनिया को त्याग दो, फास्ट करके आप फास्ट पे बैठ जाओ कि मैं तो अब खाना नहीं खाऊंगा, मरण व्रत रख दिया आपने, दुनिया को छोड़ जाओ। और कई तरीके हो सकते हैं दुनिया को छोड़ने के, तो कहता है यही रास्ता है सुख दुखों से बचने का, और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए हम इनकी फिलॉसफी को पेसिमिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। शोपेनहावर बहुत बड़ा पेसिमिस्ट थिंकर है, उसको सारी दुनिया में निराशा ही निराशा दिखाई देती है, कहीं कहीं सुख दिखाई नहीं देता उसको, और सुख का कारण भी दिखाई नहीं देता। अब हम इसमें एक बात कह सकते हैं कि शोपेनहावर ने बुद्धिज्म को आधा पढ़ा, इनिशियल पेसिमिज्म एंड अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म, ये है बुद्धिज्म। अल्टीमेट ये है कि हमारा अष्टांग मार्ग फॉलो करोगे तो आप दुखों से छूट जाओगे, फिर दुख नहीं आएगा। दुख नहीं आएगा तो वो स्थिति कैसी होगी, आनंद की होगी, ये कुछ एक पता नहीं, लेकिन वो ऐसी होगी कि दुख नहीं होगा उसमें। तुम जो इस दुनिया को दुखों का घर मान रहे हो, जो आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तो ये तो तुमने पढ़ लिया उसमें बुद्धिज्म में कि निर्वाण के बाद सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन जानता है, इसलिए कौन सुख की इच्छा में आप निर्वाण में भी चले जाओगे, इतना नेगेटिव ही है। लेकिन जो इनके क्रिटिक हैं वो कहते हैं उन्होंने बुद्धिज्म का ये नहीं पढ़ा कि बुद्धिज्म में कहा है कि निर्वाण के अंदर क्या होगा कि आप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, दुख नहीं आएगा। और जब दुख नहीं आएगा तो वो स्थिति प्लेजर की होगी या बिल्कुल इम्यूनिटी की होगी, कैसी होगी इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन दुख तो दूर हो गया। तो अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म इन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए इनकी फिलॉसफी पैसिमिस्ट रही, पैसिमिज्म ही पैसिमिस्ट रहा। अब इनकी फिलॉसफी की तरफ आएंगे हम कि फिलॉसफी की तरफ पहले, चूँकि उन्होंने जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था या इसके लिए कहा था, उन्होंने कहा इनको पैसिमिज्म क्या होता है। हर चीज़ में आदमी को जब निराशा ही दिखती है, ये भी मैं नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो, ये भी ये चीज़ भी नहीं हो सकती, क्या करें, बिजनेस करूँगा तो फेलियर हो जाऊँगा, पढ़ाई में पता नहीं फेल हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ। तो आदमी जब हर जगह जीवन में निराशा ही निराशा देखता है तो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। और जो आदमी आशा देखता है उसे फजल करते नहीं लगती बार, ना हो उससे मायूस उम्मीदवार। कब वो अपना कब तेरे ऊपर कृपा कर देगा और कब उसे फजल कर देगा, उसमें भगवान को देर नहीं लगती। आज आदमी भटक रहे हैं, ऐसे आदमी हो रहे हैं जिन्हें रोटी भी नहीं मिलती खाने की, और कल भगवान का फजल हो गया तो आज दुनिया के, हमारे यहाँ तो ऐसी कई एग्जाम्पल हैं, हमारे यहाँ तो बिरला की एग्जाम्पल है कि जाकर के कलकत्ते के अंदर उन्होंने मूँगफलियाँ बेचनी शुरू की और बेचते बेचते आज बिरला दुनिया के इतने बड़े आदमी बन गए। चुन्नामुल गुड़ वालों की हमारे पास एग्जाम्पल है,
कि दिल्ली में भूखे मर रहे थे तो अपना लोटा गिरवी रख करके उन्होंने वो चने वाले से चने लेकर के अपना गुड़ का काम शुरू किया। यूपी से गुड़ लाए, इधर से गुड़ लाए और दिल्ली में बेचना शुरू किया। आज चुन्नामल गुड़ वालों की धर्मशालाएँ दिल्ली में बनी हुई हैं। अब वो उसके पास जाते हैं कि हमारा जो लोटा तूने लटकाया हुआ है, चुन्नामल गुड़ वालों ने हमारे यहाँ लोटा गिरवी रख करके चने खाए थे, 1,000 रुपया ले ले, 1,00,000 ले ले, 10,00,000 ले ले, ये लोटा हमें वापस कर दे। वो कहता है जब कोई चीज़ ब्याज गिरवी रखी जाती है तो नियम होता है कि इतने दिनों में अगर नहीं छुड़ाओगे तो डूब जाएगी। तो ये तो डूब गया है लोटा, ये वापस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उन्होंने याद आता है कभी हमारी क्या हालत थी कि लोटा गिरवी रख के। तो बुद्ध ने इस चीज़ को, ये यहाँ की चीज़ नहीं, इसने शोपेनहावर ने हिंदुस्तान की ये ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी नहीं देखी, उसने बुद्ध की वो फिलॉसफी देख ली, सर्वम दुखम सर्वम दुख। हमारे यहाँ फिलॉसफी कहती है उसे फजल करते नहीं लगती बार, उसकी कृपा जब बरसती है तो देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी मायूस होकर के मत बैठो, निराश होकर के बैठना जीवन का अपमान करना है। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ी, अगर ये पढ़ लेते तो पैसिविज्म से दूर हो जाते। तो उनकी फिलॉसफी इसलिए पैसिविज्म दूर रही थी, उन्होंने सर्वम दुखम सर्वम दुखम, उस सर्वम दुख के अंदर ही, और डिज़ायर को उन्होंने जब मान लिया कि डिज़ायर कभी तृप्त नहीं होती, डिज़ायर तो बढ़ती चली जाती हैं। डिज़ायर तो जैसा मैम उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों में कि दुष्पूरम केन पूरियत है, जिसकी तली इतनी गहरी हो, समुद्र की इतनी तली है कि कितना ही पानी डाला जाओ समुद्र में बाढ़ नहीं आते। तो हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारी तृष्णाएं जो हैं, वो भी ऐसी हैं कि तृष्णा को जितना तृप्त किया जाओ उतनी ज़्यादा भड़केगी।